हे गाइस, व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद अ न्यू वीडियो। सो तो गाइस, आज मैं बहुत समय बाद अपनी यूट्यूब वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि यार मेरे को बहुत टाइम नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि मेरी स्टडी इतनी मतलब हार्ड हो गई थी कि मेरे को उसमें ज़्यादा फोकस करना पड़ रहा था। लेकिन आज मैं आपके लिए खास टाइम निकाल के आया हूँ स्पीड वे से, कि आप पीछे देख सकते हो, यहाँ आपको सारी टाइप की कार्स अवेलेबल हो जाएगी, चाहे वो प्रीमियम कार हो या नॉर्मल कार्स हो, चाहे वो पेंटिंग के लिए आई हो या फिर रिपेयरिंग के लिए आई हो, सारी चीज़ आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी, स्पेयर पार्ट्स वगैरह वगैरह जो कुछ भी सब आपको यहाँ मिलेंगे। तो बस अभी वीडियो स्टार्ट करते हैं एंड कार्स कुछ सिनेमैटिक शॉट्स निकालते हैं एंड वीडियो को एंजॉय करना। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट कर देना एंड अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबा देना एंड बाजू में जो घंटी दी है उसको तो दबाना भूलना नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। अभी जो मेरे पास है, जो आप देख रहे हैं कि मेरे साइड में रेंज रोवर खड़ी है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी कलर की, बस थोड़ी डस्ट इसमें आ गई है जिसके कारण इसका थोड़ा कलर थोड़ा फेड लग रहा है। बट इसका इंटीरियर जो आपको दिखाऊंगा काफ़ी न्यू लाइक इंटीरियर है। सो अब देखते हो एक बार इसका बाहर से लुक देख लीजिए आपकी कैसी दिख रही है कार। सो तो मैं आपको इसका अभी इंटीरियर दिखाता हूँ कि इंटीरियर इसका कैसा है। तो चलिए आइए अंदर। सो तो आप देख सकते हैं कि इसका इंटीरियर काफ़ी ज़्यादा ऑसम इंटीरियर है, ऊपर आपको सनरूफ भी मिल जाता है एंड आप दूसर देख सकते हैं इसका जो काफ़ी एक जो इसकी जो फीलिंग आती है, जो बैठने की काफ़ी एक यूनिक फीलिंग आती है। देख सकते हैं आप इसका स्टेयरिंग व्हील जो अच्छा, काफ़ी अच्छा इंटीरियर है। 2013 की मॉडल है, 2013 की मॉडल है, काफ़ी एक अच्छे तरीके से मैनेज किया गया है। ये इसकी की रिमोट कंट्रोल की है, जो उसकी इसका कप होल्डर आपको यहाँ देखने को मिल जाता है। AMT गाड़ी आती है पूरी, ये स्टेयरिंग आप देख सकते हैं यहाँ पे बैजिंग दे दी गई है, काफ़ी अच्छा मेंटेन किया गया है गाड़ी को अगर मैं अपना ओपिनियन दूँ तो। सो तो अब सेकंड कार की तरफ बढ़ते हैं, तो ये रेंज रोवर थी, लेकिन अब सेकंड कार हमारे पास है BMW। तो BMW का एक ओवरव्यू देख सकते हैं आप सामने से, तो कुछ इस तरीके से इसमें BMW का लुक है, तो आप एक बार देख लीजिए इसको 360 व्यू में। सो तो अब इसके इंटीरियर की तरफ जाते, तो इंटीरियर में आपको इसका दिखाता हूँ। बाहर से तो काफ़ी ऑसम दिख रही थी कार, लेकिन इंटीरियर एक बार देख लेते इसका। तो इसका कुछ इंटीरियर इस तरह के है, मैं कैमरा को सामने लाता हूँ एक बार, तो आप देख सकते हैं इसका इंटीरियर काफ़ी ज़्यादा ऑसम दिख रहा है। BMW 520D के अंदर हूँ, क्योंकि काफ़ी एक लग्जरी फीलिंग आ रही है अंदर बैठ के मेरे को। एंड जो ये गाड़ी का जो ईयर है, मॉडल मैन्युफैक्चर ईयर, वो है 2012 का, तो आप देख सकते काफ़ी ज़्यादा अच्छी गाड़ी है अंदर से इंटीरियर इसका। फ़िलहाल ये रिपेयरिंग के लिए आई हुई कार, फुल्ली AMT कार है, आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे। तो अपन ने अभी इंटीरियर देख लिया है, BMW को ओवरव्यू मैंने दिखा दिया आपको, हालांकि ये रीसेल के लिए नहीं बट ये रिपेयरिंग के लिए आई हुई थी, तो कुछ इसका ये लुक था ऑल ओवर। BMW अपने ग्रिल से ही पहचानी जाती है कि इसका जो ग्रिल है काफ़ी ज़्यादा यूनिक है। एंड अभी ये हो गया, बढ़ते अपन Audi A6 की तरफ। Audi A6 काफ़ी वाइट कलर में है, आप देख सकते जैसी। तो अब इसका इंटीरियर आपको दिखाता हूँ मैं, काफ़ी ज़्यादा लेंथी गाड़ी है ये, तो इसका इंटीरियर हालांकि थोड़ा सा भी गंदा है, लेकिन चल जाएगा अपने को। ये इसका इंटीरियर, इसकी आप हाइट देख सकते हो, मेरे से भी छोटी हाइट है हालांकि, क्योंकि ये सेडन कार में आती है। तो अब देख सकते हैं इसमें एक अलग ही फीलिंग आ रही है Audi में भी, और ये Audi यहाँ तक मेरे हिसाब से चालू है अभी। Audi सामने आप देख सकते हो, Audi A6 की ब्रांडिंग आ रही है। मैं अब कैमरा को अपने हाथ में लेके दिखाता हूँ आपको, सामने आप देख सकते हो Audi A6 की ब्रांडिंग। ये भी 2012 की मॉडल है, इसमें भी आपको सनरूफ अवेलेबल हो जाता है। मैंने अभी तक तीसरी गाड़ी है, तीनों में आपको सनरूफ अवेलेबल हो जाता है, तो जब कार ऑन होगी तब शायद ये ओपन होगा। ये कुछ Audi A6 कार जो कि वाइट कलर में है, तो काफ़ी अच्छा इसका इंटीरियर लगा मेरे को, अच्छी वेल मेंटेन कार थी 2012 के हिसाब से। लेकिन अब जाते हैं इसके अपग्रेड मॉडल में, जो कि है Audi A8। तो 8 का फिलहाल अभी काम चल रहा है, कि ये कार क्रैश होकर आई थी, तो सामने का जो ग्रिल वगैरह लाइट वगैरह चेंज होने वाली है एंड पेंटिंग हो सके तो मैं इसका पेंटिंग का भी आपको शॉर्ट्स दिखा दूंगा। तो एक बार इसका देख लीजिए, ओवरऑल जो लुक है काफ़ी अच्छा ही है इसका जो बॉडी है, बट क्रैश होकर आई है तो
इसलिए कुछ इस तरह की दिख रही है। तो एक बार कैमरा अपन घुमा के देख लेते कि कैसी दिख रही है कार, देन बढ़ते इंटीरियर की ओर। अभी कार की पेंटिंग होने वाली है इसलिए कार की घिसाई चल रही थी, बट वेल इंटीरियर्स का एक बार देख लेते अपन। ये इसका इंटीरियर, ये भी गाड़ी ऑन कंडीशन में आपको जैसे कि देख सकते हैं सामने इंडिकेट हो रहे हैं। तो मैं एक बार इसकी स्पेसिंग दिखाता हूँ आपको अंदर से। ये इसकी कुछ कंडीशन 2012 के हिसाब से ऑडी A8। पीछे पैसेंजर सीट में भी अपन जाएंगे, काफ़ी सारा लग्जरी कार है, मतलब अब तक की सबसे बेस्ट रेंज रोवर के बाद जो मेरे को लग रही है ऑडी में, तो ऑडी A6 से बेटर ऑडी A8 लगी मेरे को। तो बैक को अपन करते हैं साइड, सामने आप देख सकते हो डिस्प्ले कार अपनी है ऑन, सकते काफ़ी ज़्यादा ऑसम लुक में है। ये इसकी की RC की तो देख सकते आप, एंड जो इसकी स्पेसिंग है काफ़ी ज़्यादा अच्छी स्पेसिंग मिल जाती है आपको कार में। ये लॉक हो जा भाई। एंड जो इसकी जो ऑल ओवर लुक की बात करूँ, काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाई हूँ मैं इससे। सामने सनबोर्ड विथ मिरर देख सकते हैं आप, ऊपर आपको सनरूफ भी अवेलेबल हो जाता है, दो सनरूफ मिलते हैं एक रियर में भी। रियर सीट में बोला आपको ले जाऊंगा। ये इसका फ्रंटल कुछ लुक था, ये इसके आर्म रेस्ट ओपन हो जाते हैं, आपको चार्जिंग पोर्ट अवेलेबल हो जाता है। मैं पूरी डिटेल में नहीं बनाऊंगा, डिटेल में बनाऊंगा तो काफ़ी लेंथी हो जाएगी वीडियो। ये इसकी कुछ मीटर्स, ये इसका डिस्प्ले जब कार ऑफ होती है तो ये भी ऑफ हो जाता है जैसा कि मैंने बताया आपको। मेरे को तो सबसे बेस्ट यही लग रही है। बाहर अपन मर्सिडीज और फॉर्चुनर का बनाएंगे जो रिसेल के लिए, उसका भी निकालेंगे। तो अब जाते हैं इसके रियर सीट में। फ्रंटल तो इतना ही था जैसे नॉर्मल रहता है ऑडी 8 का, सो चलते हैं बैक सीट पे। सीट में बैठ चुके हम, जाते हैं रियर सीट में जो कि है पैसेंजर सीट ऑडी की। कुछ इस तरह के अंदर की पैसेंजर सीट है, हालांकि मेरा एक पैसेंजर मेरा फ्रेंड यहाँ बैठा हुआ है, इसका भी यूट्यूब पर चैनल है, डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिल जाएगी, पूरी कार की वीडियो बनाता है। फिलहाल अभी हम देखते हैं इसकी पैसेंजर सीट की व्यू। तो सबसे पहले आपको यहाँ TV मॉनिटर मिल जाता है आपको, यहाँ पे दोनों सीट में मॉनिटर मिलता है। एंड सामने AC विंड्स, काफ़ी ज़्यादा लग्जरी लग रही है कार। ये आपका यहाँ आर्म रेस्ट है, साथ में आपको यहाँ पे कुछ AC के कन्वर्टेबल स्विचेस मिल जाते हैं, मतलब ये होती है लग्जरी कार। पीछे आप देखेंगे तो ये हमारा रेफ्रिजरेटर देख सकते हैं आप, ये यहाँ पे डलती है इसकी शायद DVD डलती है, जो कि म्यूज़िक तो ज़रूरी है लाइफ में। ये इसका रेफ्रिजरेटर था कुछ, ये यहाँ से आप टेम्परेचर इसका अप डाउन कर सकते थे कि यहाँ पे स्विचेस दिए हुए हैं। ये इसको कर देते अपन ऑफ, ये हो गया ऑफ। ये थे इसके कुछ ओवरव्यू। पीछे भी आपको सनरूफ मिल जाता है, यहाँ आपको मिल जाती है वॉर्म वाइट की लाइट्स। सामने जैसे कि मैंने बताया था आपको कि सनरूफ है, पीछे भी सनरूफ है, सामने आपको यहाँ मिल जाता है मिरर, तो मिरर को करते हैं। और ये सामने आपको यहाँ पाउच मिल जाता है यहाँ पे, और ये कुछ काम करनी है। ये सामने यहाँ स्पेस काफ़ी अच्छी दी हुई है, आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे भी कुछ वुडन टेक्निक्स है। मैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रही गाड़ी, क्योंकि फर्स्ट टाइम ऑडी 8 में बैठा हूँ मैं तो। एंड इसका ये काय का स्विच है, यहाँ पे आपको चार्जिंग पोर्ट मिल जाते हैं, सामने आपको दो कप होल्डर्स दो पैसेंजर्स के लिए। एंड इधर पे ये थोड़ी सी स्पेसिंग मिल जाती है सीरेट वगैरह के लिए। ये काफ़ी ज़्यादा भाई तगड़ी गाड़ी लग रही है मेरे को तो ऑडी 8। सेटिस्फाई है भाई तू इस कार से? तू भाई सेटिस्फाई इस कार से? बिल्कुल। तो यकीन दोनों दोनों यही लेनी है भाई को अब आगे फ्यूचर में, क्योंकि नॉर्मली मैं आपको जो 3 कार दिखाया हूँ
वो आपको पीछे में तो नॉर्मल सी एसी विंड से, लेकिन इसमें एसी विंड के साथ साथ में आपको म्यूज़िक कंट्रोलर भी मिला है, सामने भी म्यूज़िक कंट्रोलर मिला है। मतलब आप ड्राइवर के भरोसे नहीं, अपने मन से अपने गाने लगा सकते हो इस गाड़ी में। तो काफ़ी कूल गाड़ी है। अब जैसे कि बताया मैंने, सनरूफ मेरे को खोलने की इच्छा थी, मगर गाड़ी अभी रिपेयरिंग कंडीशन में तो मैं खोल नहीं पा रहा हूँ। मॉनिटर मेरे को ऑन करने की इच्छा थी, लेकिन मॉनिटर भी ऑन नहीं कर पा रहा हूँ मैं। काफ़ी ज़्यादा अच्छी कार लगी। तो अब ये हो गई हमारी नॉर्मल, मतलब नॉर्मल बोलता हूँ, लग्जरी कार हो गई। सामने से अब निकालते दो रीसेल के लिए कार आई थी, मर्सिडीज और फॉर्चुनर, उसके बारे में कुछ बातें कर लेते हैं। तो चलते अब। तो गाइस ये है हमारी रीसेल कार, जो कि मर्सिडीज E250D। काफ़ी ज़्यादा अच्छी कार दिख रही है, कलर भी काफ़ी अच्छा है, कंडीशन आप सामने ही देख सकते हो। बस थोड़ी सी इसमें डस्ट लग गई, इसके कारण थोड़ा कलर फेड हो गया, बाकी कार वॉशिंग के बाद फुल्ली फुल कार लगेगी। तो एक बार कार का सामने का लुक आप देख सकते हैं। मर्सिडीज में सबसे सुंदर इसका लोगो ही लगता है, सबसे प्यारा। तो एक बार कार को अपन अंदर से देखते हैं, क्योंकि अंदर की कंडीशन मेन रहती है रीसेल कार में, एंड कार की अदर डिटेल मैं आपको बताने वाला हूँ अंदर बैठ के। तो चलिए अंदर चलते हैं। सो तो गाइस कुछ इस तरह की मर्सिडीज की जो की आती है, आप देख सकते हो पूरी पैन ड्राइव लुकिंग में रहती है। नॉर्मली इसको यहाँ डालना पड़ता है, सामने देख सकते हैं कि इंडिकेटर यहाँ पे ऑन। एंड जो AMT गाड़ी रहती है उसमें स्पेशली आपको क्लच नहीं मिलता है, क्लच आपको यहाँ मिलेगा ही नहीं, ब्रेक आपको यहाँ दबा कर रखना पड़ता है हल्का से। इसको गाड़ी ऑन, AC ऑन एंड सेल फोन, आप देख सकती गाड़ी अभी ऑन है। मैंने यहाँ पे ब्रेक पे पैर दबा के रखा हुआ है फुल्ली, जो तो आप देख सकते हैं सामने AC भी विंड भी ऑन है, एंड गाड़ी फुल्ली वर्किंग कंडीशन में है। जैसे कि देख सकते हो आपको यहाँ गियर स्विचर कुछ नहीं मिलता, लीवर वगैरह रहता है, इसमें आपको पैडल स्विचर मिलता है, ये प्लस ये माइनस का पैडल स्विचर आपको यहाँ देखने को मिल जाता है। गाड़ी फुल्ली भाई, मतलब बहुत ही अच्छी तगड़ी कंडीशन में, अगर आपको लेना है तो आप स्पीड वे में आ सकते हो। 17.5 लाख इस गाड़ी का प्राइस रखा गया है, डीजल फ्यूल में चलती है, 2014 की ये मॉडल की कार है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्पेस भी काफ़ी अच्छी दी हुई है, फुल्ली है, कवर कर लेता है ये। आपको यहाँ पे भी स्टोरेज मिलती है आपको, काफ़ी ज़्यादा अच्छी कार है, आप देख सकते हो। यहाँ से इसको अपन ऑफ कर सकते हैं, बताया कि पेन ड्राइव टच की है, इसको ऑफ देख सकते हैं, कार ऑफ। कार का सनरूफ ऊपर ऑन करते तो इसका स्विच जो है यहाँ पे है, इसको एक बार आगे प्रेस करना है। कहाँ गया भाई, तो ये सनरूफ हो गया ऑन, आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छा। यहाँ से गेड़ी मारने के लिए अपन निकल सकते हैं, कुछ ये होता है लग्जरी कार के मज़े। तो इसके बाजू में इसलिए कि यहाँ पे ब्रांडिंग हुई है, तो चलते हैं नीचे। नॉर्मली इसको ऑफ करने के लिए आपको इसको बस पीछे करना है, तो ये सनरूफ लग गया बंद। तो चले गेड़ी मारने, तो चलते गेड़ी मारने भाई। काफ़ी अच्छा, आप देख सकते हैं स्विच भी काफ़ी तगड़े दिए हुए। तो एक बार देख लो ओवरव्यू कार का, 17.5 लाख प्राइस रखा है, बुरा नहीं है प्राइस इस कार का। फॉर्चुनर, टोयोटा फॉर्चुनर में, क्योंकि ये मर्सिडीज अपनी कवर हो गई है। तो अब देखते हैं ओवरऑल लुक जो फॉर्चुनर का है, डिटेल में आपको इसकी बताऊंगा कुछ ही देर में। तो फॉर्चुनर की कार काफ़ी ज़्यादा अच्छा लुक, हैवी ग्राउंड क्लियरेंस आप इसका देख सकते हैं। रिसेल के लिए कार आई है, तो इसके इंटीरियर अपन आपको दिखाते हैं, तो लेट्स गो। तो इसका इंटीरियर थोड़ा सा बस बुरा है, हालांकि ये जब रीसेल के लिए आएंगी कार तो आपको इसकी फुल सर्विस मिल जाएगी। तो आप एक बार देख सकते हैं इस कार को, फॉर्च्यूनर। इसकी की मैं आपको शायद दिखा पाऊँ, तो आप देख सकते हैं एक बार कार काफ़ी वर्किंग कंडीशन में है। पीछे काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, मैं आपको दिखाता हूँ पीछे स्पेस, देख सकते हैं पीछे भी दो सीट दी हुई, लेकिन तीन लोग बैठ सकते हैं। सामने जो पैसेंजर सीट रहती है नॉर्मली वैसी है, मैनुअल गाड़ी मिलती है आपको ये, साथ में यार ऑटोमेटिक भी शायद लीवर दिया हुआ है, तो काफ़ी अच्छी गाड़ी है। स्क्रीन आपको चेंज हो जाएगी अगर आप कार को परचेस करते हो तो, बाकी नॉर्मल कार अच्छी है। स्टेयरिंग मैंने यहाँ लॉक कर दिया,
कोई नहीं, चाबी मांगते एक बार, वर्किंग कंडीशन में है कि नहीं पता लगा लेते इसका। अभी मैं कार में की लगा चुका हूँ तो एक बार दिखा देता हूँ कार वर्किंग कंडीशन में है। तो मेरे को पहले ब्रेक और क्लच पैडल पे रखना पड़ेगा। आप देख सकते गियर लीवर में दिया हुआ है, कार यहाँ पे हो गई ऑन, सीट बेल्ट पहनने बोल रहे, लेकिन अभी को चलानी नहीं है कार। तो ये लग गया है, कार अपनी ऑन हो गई है, एसी विंड्स हमारे यहाँ पे ऑन हो चुके हैं आप देख सकते जैसे कि। तो वर्किंग कंडीशन में है कार, स्टेयरिंग भी काफ़ी फ्री है, आई थिंक पावर स्टेयरिंग होना चाहिए, क्यों ये पावर स्टेयरिंग है। तो देख सकते हैं आप एक बार यहाँ पे, यहाँ पे गलती हमारी की, तो कुछ ये थी हमारी टोयोटा फॉर्च्यूनर रीसेल के लिए। इसकी जो प्राइसिंग आई हुई है स्पीडवे गैराज में वो है 7,80,000। 2010 की मॉडल है, डीजल फ्यूल पे ये चलती है, तो काफ़ी अच्छी कंडीशन में रखी हुई कार। हालांकि इससे गई भी थी मैं कंडीशन में देखा हूँ 2010 की मॉडल, लेकिन जब आप इस कार को परचेस करेंगे काफ़ी अच्छी, इसको वेल मेंटेन करके देंगे, वॉश वगैरह करके देंगे। तो बस आज की एक हम कार वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। मैं दिखा देता हूँ कि आपको इस गैराज में क्या क्या फैसिलिटी अवेलेबल हो जाएंगी। सो बस कार को यहाँ पे करते हैं अपन बंद। तो अब मैं दिखाता हूँ कि यहाँ क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल है। ये सारी जो बाहर कार्स खड़ी हुई है सारी रीसेल के लिए है, काफ़ी रिजनेबल प्राइस में आपको मिल जाएंगी सारी कार्स। तो मैं दिखा देता हूँ आपको कि यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटी अवेलेबल है रीसेल की कार्स एंड रिपेयरिंग, तो आपको मैं बता ही चुका हूँ। यहाँ पे होती है कार वॉशिंग एंड कार सर्विसिंग, जैसे कि ऊपर लिखा हुआ है, ऊपर कार सर्विसिंग वगैरह यहाँ पे होती है, यहाँ पे वॉशिंग होती है कार की, पेंट वगैरह जो होती है, मैंने बताया कि जो ऑडी A8 पेंट होने वाली थी वो मैं आपको दिखा दूँगा अगर मेरे से हो सके तो। तो कुछ ये था हमारा गैराज, होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, क्योंकि यार काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग काम है ब्लॉग बनाना। तो मैंने आज रेंज रोवर, BMW, ऑडी A6, ऑडी A8, मर्सिडीज ई क्लास और फॉर्च्यूनर को कवर किया, जो कि रिपेयरिंग वर्क के लिए एंड जो आई थी सेल्स के लिए, तो काफ़ी अच्छी कंडीशन में है। मैं बताया कि जो पीछे ऑडी 8 खड़ी है वो कल पेंट होगी, अगर मेरे से हो सका तो मैं उसको भी कवर करूँगा कि कैसी पेंट हो रही थी गाड़ी। बाकी सर्विसिंग वगैरह तो कार की तो होती रहती है, स्पेयर पार्ट्स भी आपको अंदर अवेलेबल हो जाएंगे, जो अंदर जो छोटा सा कैबिन बना हुआ है वहाँ पे। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड भाई लाइक कर देना, कमेंट कर देना, अगर वीडियो ज़रा भी अच्छी लगी तो प्लीज़ 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 सपोर्ट करो अपने बंदे को। तो तब तक के लिए बाय बाय, टाटा सी यू, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी हट के नए कंटेंट के साथ। एंड बता दूँ कि अभी आगे और अच्छे अच्छे कंटेंट आते रहेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू टाटा।